हाय फ्रेंड, माय नेम इज आफ्ताब और आज हम सीखेंगे सेंटर लाइन और सेंटर मार्क। ये दो कमांड हैं जिसके बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल है। और इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ऑटोडेस्क की तरफ से दिया गया है ऑप्शन तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वॉल है ये, और इस वॉल में हमें सेंटर लाइन चाहिए होता है, तो उसके बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन जो ऑटो कैड की तरफ से वो क्या है, उसके लिए सीधा आपको टाइप करना है CENTER सेंटर, ये सेंटर लाइन आ जाता है। क्लिक फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, तो ये पड़ गया सेंटर। अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, जितना लेंथ में आगे ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ पे ले जाइए, जितना भी दूर ले जाना है आप वहाँ से इसको पकड़ेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। ये है सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन की ज़रूरत अक्सर होती है वॉल में या कभी भी, तो आपको लेयर बनाना होगा, फिर लाइन टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए सीधा ऑप्शन है कि आप सेंटर लाइन टाइप करें। मैं राइट क्लिक करके फिर से जा रहा हूँ CENTER सेंटर लाइन। बस आपको कुछ नहीं करना है, दो लाइनों के बीच में लाइन जहाँ कहीं चाहिए, जितना लाइन आपका लेंथ होगा उतना ये ले लेंगे। देखिए, अगर ये इतना है, अगर इतना है, और मैं एक ऑफसेट देता हूँ, ये अगर इन दोनों के बीच में चाहिए होगा तो जितना आपका लेंथ होगा, मैं फिर से जा रहा हूँ सेंटर लाइन में, चलिए यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कहाँ पे एनोटेट में जाएंगे, ये होता है सेंटर लाइन, इस पर क्लिक करिए, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो जितना लेंथ है उतना देखिए इसने यहाँ तक सेंटर लाइन ले लिया। फिर राइट क्लिक करते हैं, सेंटर पे जाते हैं, ये यहाँ, फिर राइट क्लिक सेंटर, ये राइट क्लिक सेंटर, ये हो जाता है इस तरह से। दूसरा ऑप्शन क्या है सेंटर लाइन का, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक लाइन ले लीजिए एल इंटर, यहाँ से यहाँ पे आर्थोक के साथ F8 सीधा लाइन खींच लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इसको या कॉपी करिए CO कॉपी, यहाँ से लाने के बाद अब हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक कीजिए और मिड बिटवीन टू पॉइंट, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दीजिए एंड सेकंड पॉइंट दीजिए, ये आपका बीच में हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, मान लिया मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, तो मैं एक लाइन सीधा कोई भी लाइन आपने यहाँ से उतना बड़ा लेंथ ले लीजिए, फिर यहाँ से इसको एम कीजिए या मूव कीजिए या कुछ भी कीजिए, यहाँ जब पहुँचिए, जब यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद शिफ्ट के साथ राइट क्लिक यानी और स्नैप ऑब्जेक्ट और स्नैप इसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पे आके मिड पॉइंट यहाँ पे जाके ये पॉइंट यानी फर्स्ट एंड सेकेंड इसके बीच में ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपके पास यहाँ पे सेंटर लाइन रखा है, क्लिक करना है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब आते हैं सेंटर मार्क पे, ये इसी के बाजू में है सेंटर मार्क, इस पर जस्ट आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है। तो जब आप सर्कल लेते हैं तो इसके बीच में हमें कोई पॉइंट नहीं दिखता है, जब आप टच करेंगे तब यहाँ पर पॉइंट हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए ये चीज़ बना है कि ये आप लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट, सेंटर मार्क अपने आप जाके वहाँ पे एग्जैक्ट बैठ जाएगा। दूसरा क्या है, इसके थ्रू आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, देखिए ये लाइन आप जो है आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना, और ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ होती है, आप सर्कल भी अपना यहाँ से बढ़ा सकते हैं तो उस हिसाब से उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर से देख लीजिए, सर्कल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, सेंटर मार्क का कोई ऑप्शन और नहीं है। दूसरा ऑप्शन यही है कि आप पॉली लाइन या कोई लाइन लीजिए,
फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे पॉइंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब हम राइट क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं स्नैप सेटिंग में, ये जो आपका ये है, यहाँ पे मैंने सेंटर मार्क किया हुआ, अगर ये चीज़ हटा हुआ है, ओके कर देता हूँ। अब अगर सर्कल को आप सेलेक्ट करेंगे या लाइन कोई भी ले जाएंगे तो देखिए अभी हमें यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो अब अगर ओ स्नैप आपका ऑब्जेक्ट ओ स्नैप बंद है यानी ऑफ है, उस हालत में आपको यहाँ पे सेंटर लाइन चाहिए, सेंटर पे पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ जाएंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अभी भी देखिए दिखा रहा है अब। तो इतना सब कुछ करने के से बेहतर है कि सीधा सेंटर मार्क जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेंटर मार्क लग गया। अब यहाँ से आप पॉली लाइन लाइन जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया सेंटर मार्क एंड सेंटर लाइन, जो कि बहुत यूज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।